वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लाइट भी ऑन कर दो राजा, सारा लाइट्स ऑफ है, एक छोटा सा लाइट ऑन था। और मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा गर्मी लगने लग जाता है और वेदर तो ऐसे बहुत ठंडा वाला होके रखा है। नहीं आज गर्मी लग रहा है, सच में गर्मी लग रहा है बहुत। और अब कुछ खाने पीने अगर कुछ गर्म खा लेते तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाता है। और एक चीज़ अच्छा है कि आज थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है देवर में जो अंशु है, और थोड़ा अच्छे दिख रहा है मतलब सुनने मतलब सुने कि थोड़ा होश में आए हैं तो अच्छा हुए हैं, अच्छे हुए हैं अभी। अब देखें आगे, भगवान करेगा सब कुछ अच्छा अच्छा हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए, पूजा पाठ वगैरह। ऐसे भी दवा से ज़्यादा दुआ काम में आता है, मैं तो यही सुनी हूँ शुरू से। दवा जितना नहीं आता है उतना दुआ काम में आता है। और अभी मैं ओट्स बनाई हूँ, ओट्स आज खाने का बहुत था बहुत। वो मसाला ओट्स आता है ना बाहर का रेडीमेड वाला पैकेट, वो ओट्स लेके आई तो वही ओट्स हम लोग खाएँ बैठ के। और इनको तो ओट्स बिल्कुल पसंद, प्लेन ओट्स से वो खा भी लेते हैं, ऐसे मसाला ओट्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैगी दूंगा तो मैगी खा लेंगे। और आज से चेंबर इनका नहीं है, जो दूर जाते हैं। नीचे वाला चेंबर है वो आपका है 7:30 बजे से। तो अब मैं जा रही हूँ, काम है मुझे बाहर में। बेटी से मांग लीजिए, तो कुछ काम है बाहर। वो क्या काम है वो मैं सब बाद में बताऊँगी, अभी नहीं, सब बाद में दिखा दूँगी। किस काम से जा रही हूँ अब पर्सनली मेरा खुद का काम नहीं है, तो बस थोड़ा देर में आप। अब मैं किचन में आ गई रात का डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आज मैं पनीर चिल्ली। तो पनीर चिल्ली मैं जो मतलब अगर शौक से बनाती हूँ तो पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, अगर शौक से नहीं बनाती हूँ, हाँ अगर डाइट के हिसाब से बनाना है तो फिर वो डाइट के हिसाब से ही मतलब सॉरी डाइट के हिसाब से खाना है तो डाइट के हिसाब से ही बनाती हूँ। सॉस वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ मैं इसमें। और इसमें पनीर को मैं फ्राई कर ली थी पहले ही, कैप्सिकम ऑनियन वगैरह काट के रखी हूँ। और इसमें जो सॉस बनाई हूँ होममेड सॉस है, मैं खुद अपने हाथ से ही सॉस को रेडी की हूँ, बाहर का इसमें कुछ भी नहीं, कोई सॉस वगैरह यूज़ नहीं की हूँ बाहर का। तो और मैं रूम में जा रही थी, रूम में है ये, तो मैं पूछ रही थी कि क्या खाएं खाएं। मैं पूछने गई तो ये बोले चलो मैं भी देखता हूँ क्या बनाई हो कैसे बनाई हो, तो मैं भी देख लेता हूँ, उस पर डिपेंड करता है मेरा मूड का। तो फिर ये देखे तो ये क्या बोले मुझे कि एक काम करो कुछ भी देंगे जो नहीं, सिर्फ मुझे पनीर चिली दो, मैं रात का डिनर हो जाएगा, रोटी मैं नहीं खाऊँगा, उसके बाद थोड़ी बाद मैं चाय पी लूँगा तो हो जाएगा। ऐसे भी रात में कुछ खाते नहीं, अगर कुछ वैसा सब्जी रहे तो फिर रोटी खाते हैं। ऐसे तो पनीर चिली के साथ इनको रोटी ही पसंद है, तो इनका मूड नहीं था रोटी खाने का, तो मैं ऐसे पनीर चिली ही दे दी इनको। और कभी कभी आते हैं किचन में, चेक कर रहे हैं कि और क्या क्या है कि क्या क्या खा सकते हैं। ऐसे तो इनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मेरे से कुछ कुछ पूछ रहे थे। चिया सीड्स था ये अपने लिए मतलब भिगो के रख रहे हैं, रात में पियेंगे, पी के सोएंगे। ऐसे तो मैं ही भिगो देती हूँ। आज ये घर पे थे, देख रहे थे बहुत ज़्यादा काम है तो ये अपने लिए भिगा लिए। और जेंट्स लोग किचन में घुसने का मतलब है कि किचन तो गंदा होना एकदम श्योर है। उसके बाद मैं निकली बाबू का हेयर कटिंग कराने, बाबू ट्यूशन पढ़ रहा था, फिर ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं तुरंत उसका हेयर कटिंग कराने के लिए लेके आई। और देखिए मुंह में मैं खाना दी हूँ, वो खाना अभी तक वो मुंह में लेके पार्लर में आ गया है, अभी तक नहीं निकल रहा है। हम लोग नाइट वॉक करने, नाइट वॉक भी आजकल कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा हो गया है। और अब छठ पूजा होगा उसके लिए भी कुछ कुछ तैयारी तो हो गई, थोड़ा बहुत जो होना है वो हो गई। अभी तक तो ऐसा कुछ खास तैयारी नहीं हुआ है, जो हुआ है मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में ही हुआ था, अभी फिलहाल आजकल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब नाइट वॉक करके आते हैं। और आज मतलब सबका ध्यान मोबाइल में ही है, मोबाइल के वो क्रिकेट में ही लगा हुआ है सबका ध्यान, एकदम क्रिकेट देखने में। और सच में बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट हो गया है, पता नहीं चला कि इंडिया जीतेगा कि हारेगा कुछ भी नहीं पता चल रहा है अभी। तो बस नाइट वॉक करके आ रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे ग्राउंड में इवनिंग वॉक करने। तो इवनिंग वॉक करने से ज़्यादा क्रेज़ तो क्रिकेट का था, तो ये क्रिकेट देख रहे थे तो मैं भी देख रही थी।
मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट होता है तो, और ये सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल में कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये वही बोल रहे थे कि पूरा ग्राउंड में कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, सभी कोई मैच देख रहा है, हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं आके। नाइट वॉक एंड क्रिकेट देखने के बाद अब हम लोग चल रही है घर के लिए। अभी रात का 11 बज चुका है, 11 बजे की ज़्यादा हो रहा है, 11 बज चुका है। घर जाके बहुत सारा काम वगैरह है, काम कंप्लीट करूँगी फिर बाद में जाके एडिट करूँगी वीडियो, तो मिलती हूँ घर जाके वापस। घर में आई, घर में आते ही काम तो इतना सारा रहता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारा काम करके जाती हूँ। उसके बाद तो काम तो मतलब एक हाउसवाइफ के लाइफ से कभी काम तो ख़त्म होता ही नहीं है, तो काम कुछ ना कुछ रहता है। इतना सारा सब्जी आया हुआ था तो मैं सोची उसको ठीक से अरेंज करके रख देती हूँ फ्रिज में, बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पाउच मैं ऑनलाइन मंगाई थी, ये आप लोगों को दिखाई थी जब किचन में सेट की थी, तो अलग अलग पाउच में सारा वेजिटेबल्स मैं रख देती हूँ जिससे वो सब्ज़ी ख़राब नहीं होता। और मुझे ऐसे क्लीन करके सब्ज़ी रखना पसंद है, ऐसे नहीं कि सब्ज़ी आया और ऐसे ही छोड़ दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक एक सब्ज़ी को अच्छे से एक एक पाउच में डाल के अलग अलग रखूँगी मैं। यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह प्लास्टिक में रखने से तो ख़राब हो ही जाता, और बाहर भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, बाहर एक आलू प्याज और लहसुन और प्याज ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। और मेरी बेटी तो कभी कभी क्या करती, कोई कोई सब्जी को ऐसे ही किचन में चली जाती है, काटने लग जाती है, स्पेशली वो खीरा वगैरह काटती है, और कुछ कुछ टमाटर इधर उधर रखा हुआ था तो मैं सोची इसमें डाल दे, देखिए खीरा वगैरह कटा हुआ होगा, ये मेरी बेटी का काम है। तो मैं सोच रही जो कटा हुआ उसमें मक्खी लगेगा तो उसको अच्छे से कट करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जिससे वेस्ट भी नहीं होगा, कल मैं सब्जी बना सकती हूँ। और मुझे मतलब सब्जी ऐसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। और बेटी तो मतलब इधर तो मैं रहती हूँ तभी वो ये सब काम करती, मेरे सामने तो कभी भी नहीं करेगी। मैं उसको कितना बार मना करती हूँ कि बेटा नाइफ यूज़ मत किया करो नहीं तो हाथ मेरा कट जाएगा। अब बच्चा लोग का क्या है, वो बोलती है मामा मेरे को खाने का मन किया इसलिए मैं कुकुम्बर काटने लग गई, और मैं जब देख ली डांटी तो फिर छोड़ दी, तो वैसे ही पड़ा हुआ था तब से। तो मैं सोची कि कट कर देती हूँ, कल सब्जी बना दूँगी उसका मैं। और यहाँ पे बहुत सारा सामान था जो कि राशन का, जैसे चायपत्ती वगैरह था, तो मैं रात में सब वो कर देती हूँ। कल से स्कूल भी है बच्चों लोग का, तो कल तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आज जितना काम हो सके उतना कर लेती हूँ, तो कल का तो काम है ही। और मेरी बेटी का डिमांड है आलू पराठा खाने का, बोलती है मम्मा आपको मैं कितना दिन से बोल रही हूँ आलू पराठा बना दीजिए, और ये आलू पराठा खाना नहीं चाहते हैं, इनको बहुत कम ही आलू पराठा मतलब स्टफिंग वाला चीज़ बहुत कम ही खाना चाहते हैं ये, और आलू पराठा है तो बोलते दही चीनी के साथ अच्छा लगता है, फिर इसके साथ डिमांड कुछ अलग रहता है। और ये मिश्री था तो मिश्री को मैं ऐसे ही डाल दी, बाद में इसको पाउडर बनाऊंगी, आज तो कुछ भी नहीं करूंगी, ये सब काम जो थोड़ा बहुत है वो ये सब काम करके बच्चा लोग को भी टाइम देना है और इनको भी कुछ कुछ खाने के लिए देना है, तो ये सब फटाफट काम करने के बाद ही और काम कर सकती हूँ। तो दाल वगैरह जितना है, जितना राशन का सामान है, वो सब मैं अच्छे से डाल के रख दूंगी। मेरी बेटी रूम में पढ़ाई कर रही है, वो आवाज़ भी आ रहा होगा आप लोग को पीछे से। उसके बाद जो जो इधर उधर बर्तन फैला हुआ था तो मैं सोचती उसको ठीक से रख देती हूँ, नाइफ सीजर वगैरह था तो नाइफ सीजर मैं बच्चों लोग से छुपा के रखती हूँ, कब उन लोग का हाथ में चला जाए और कब या और मेरा भाई यहाँ पे वेट कर रहा है, कुछ काम है शायद मेरे से तो वो वेट कर रहा था मेरा। और कुछ कुछ वेस्ट सामान था तो मैं सोची उसको डिस्पोज कर देती हूँ, बेकार में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैं आई यहाँ पे अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो मैं करने, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ वो। हाँ कभी वैसा हुआ मन नहीं हुआ तबीयत ठीक नहीं तो बात अलग है, ऐसे तो रेगुलर ही मैं करती हूँ, बीच में छोड़ दी थी मैं तो बहुत सारा पिंपल्स वगैरह होने लग गया था। फेस केयर रूटीन तो बहुत ज़रूरी है, नाइट केयर रूटीन तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फेस सीरम वगैरह लगा रही हूँ, उसके बाद क्रीम वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं बेड पे। और ये सब मेरे हस्बैंड ही मुझे बताए हैं कि हाँ ये लगाओ वो लगाओ, बहुत सजेस्ट करते हैं मुझे मेरे फेस के लिए, उनको ज़्यादा टेंशन रहता है। गाइस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं ड्रेस भी चेंज कर ली, वो कुर्ती पहन के मेरे को तो नींद आ नहीं सकता, मैं सो ही नहीं सकती मैं कुर्ती पहन के, कोई कैसे सोता है कुर्ती पहन के वही मैं सोचती हूँ, मुझे जैसे लगता है कोई मैंने जो पैक कर दिया है, और मुझे लूज लूज सा ड्रेस वगैरह पसंद है रात में सोने से पहले। और ये सब देख रहे हैं चेयर से हो गया सब,
और वही मैं बोल रही थी, मेरा फेस को लेके मुझे जितना टेंशन नहीं रहता है उतना मेरे पतिदेव को मेरा फेस को लेके बहुत टेंशन होता है। वो थोड़ा सा कुछ देखेंगे, तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम फेस वॉश की, तुम रात में क्रीम लगाई, वो मेरे से पूछते हैं। और उन वो इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि जिससे मेरे को अब मतलब एक हैबिट सा हो गया है फेस वॉश करने का बहुत ज़्यादा। सच में मुझे खुद का मतलब केयर बिल्कुल भी नहीं रहता है, वही केयर करते हैं मेरा, बोलते ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, सजेस्ट करते हैं। ऐसे तो मैं बताती हूँ उनको क्रीम, बट वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ ये है लगाना तुमको ज़रूरी है, नहीं तो फेस ख़राब हो जाएगा। और खाने पीने को लेकर भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं अब रात का 12 बज चुका है और मैं अभी वीडियो एंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो एडिट कब करूँगा मुझे नहीं पता, आप लोग सोचते हो डेली यही बात बोलती है कब एडिट करेंगे, मैं काम करते करते इतना लेट हो जाता है कि क्या बोलूँ। ऐसे इवनिंग वॉक जाने से पहले तो बहुत कुछ करके जाती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। अब बेटी का भी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं मतलब हम लोग जाते हैं तो बेटी मतलब पूरा अपना भाई का ध्यान रखती है, उसके पास में रहेगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी। ऐसे तो हम लोग जो करना है वो करती हैं, फिर भी उसको बोल के जाते हैं कि हाँ बेटा तुम देख लेना भाई को, तो वो ध्यान रखती है। फिर एक बड़ी दीदी लोग का तो होता ही है, छोटा भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्यार ध्यान देना ये सब तो होते ही है, बहुत केयरिंग होती है बड़ी बहन लोग। सो गाइस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।